गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत पाठ 10 के भागीरथी इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो आपका पाठ है, इस पाठ में इकारांत का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप शब्द से देख रहे हैं, भागीरथी, अब थ पे जो आपकी बड़ी की मात्रा लगी हुई है और अंतिम में ई का प्रयोग आ रहा है, इसलिए इस पाठ से इस बात से हमको पता चलता है कि इस पाठ में इकारांत का प्रयोग दिखाया गया है। और यह जो आपका पाठ है भागीरथी, तो आप जानते हैं कि गंगा नदी का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा नदी को हम भागीरथी नदी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो आपका पाठ है उसमें इसी भागीरथी नदी के विषय में वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका पाठ है भागीरथी। भागीरथी अर्थात गंगा नदी का एक नाम और इसमें इकारांत का प्रयोग दिखाया गया है। अध्यापिका, गंगा भारत की प्रमुख नदी है, क्या आप जानते हैं कि इसे भागीरथी भी कहते हैं? पीयूष, इसका यह नाम कैसे पड़ा? अध्यापिका बच्चों को बताती हैं कि क्या आप लोग जानते हैं कि गंगा भारत की प्रमुख नदी मानी जाती है और इसका एक नाम भागीरथी भी है। तो पीयूष नाम का बच्चा अध्यापिका से प्रश्न करता है कि इसका यह नाम कैसे पड़ा। अध्यापिका कहती हैं कि माना जाता है कि प्राचीन काल में भगीरथ नाम के राजा इसे पृथ्वी पर लाए थे। तो एक सारिका नाम की बच्ची कहती है कि आजकल यह नदी बहुत ही मलिन हो गई है, बहुत ही गंदी हो गई है। दूसरा बच्चा तन्मय कहता है कि हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। अध्यापिका कहती हैं कि इस नदी के तट पर अनेक तीर्थस्थल और आश्रम भी हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करें। भारतम नदी नाम देशः, भारत, भारतम नदी नाम देशः, भारत नदियों का, नदी नाम का अर्थ होता है नदियों का, देशः देश है। भारतम नदी नाम देशः, भारत नदियों का देश है। भारते गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी इत्यादि अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। भारते, भारत में, गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी इत्यादि बहुत सी नदियाँ बहती हैं। भारत में गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी इत्यादि अनेक नदियाँ बहती हैं। नद्यः, नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं, इत्यादि इत्यादि। और ये गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी ये नदियों के नाम हैं। तो भारतम नदी नाम देशः, भारत नदियों का देश है। भारते गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी इत्यादि बहुत सी नदियाँ बहती हैं। एतासु नदीषु गंगा देशस्य प्रमुखा नदी। इन नदियों में, एतासु नदीषु, इन नदियों में गंगा देश की सबसे प्रमुख नदी है। अभी जो नाम नदियों के लिए गए हैं उनमें कहा गया है कि एतासु नदीषु गंगा देशस्य प्रमुखा नदी। इन नदियों में जो गंगा नदी है वह देश की प्रमुख नदी है। एतस्याः नद्याः जलम अनेकानि क्षेत्राणि सिंचति अनेकेषां जनानां च जीवनं पोषयति।
एतस्या इस नद्या नदी का जलम जल अनेकानि कई या बहुत से क्षेत्राणि क्षेत्रों को सिंचति सिंचता है। एतस्याः नद्याः जलम अनेकानि क्षेत्राणि सिंचति इस नदी का जल कई क्षेत्रों को सिंचता है। अनेकेषां बहुत से जनानाम लोगों का अनेकेषां जनानाम च जीवनम पोषयति और बहुत से लोगों के जीवन का पोषण करता है। एतस्याः नद्याः जलम अनेकान् क्षेत्राणि सिंचति अनेकेषां जनानाम च जीवनम पोषयति इस नदी का जल कई क्षेत्रों को सींचता है और बहुत से लोगों के जीवन का पोषण भी करता है। गंगा नद्याः अपरम नाम भागीरथी गंगा नदी अपरम दूसरा गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। गंगा नद्याः अपरम नाम भागीरथी गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। कथा अस्ति कथा है पुराणेषु पुराणों में यत यह अति बहुत प्राचीन काल से भागीरथा नाम राजा स्वपूर्वजानाम उद्धाराय एताम नदीम पृथ्व्याम आनयत ऐसी कथा पुराणों में वर्णित है कि यह जो नदी है प्राचीन काल में भागीरथ नाम के राजा हुए और उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस नदी को पृथ्वी पर लाया। कथा अस्ति पुराणेषु यत अति प्राचीन काले भागीरथा नाम राजा स्वपूर्वजानाम उद्धाराय एताम नदीम पृथ्व्याम आनयत पुराणों में ऐसी कथा है कि यहाँ प्राचीन काल में भागीरथ नाम के राजा हुए और उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस नदी को पृथ्वी पर लाया। अतएव भागीरथी इति नाम अतएव इसलिए ही इसका यह नाम भागीरथी है। अतएव भागीरथी इति नाम इसलिए ही इस गंगा नदी का नाम भागीरथी है। गंगा नदी हिमालयात पर्वतात निर्गच्छति गंगा नदी हिमालय पर्वत से होकर निकलती है निर्गच्छति मतलब निकलती है हिमालय पर्वत हिमालयात पर्वतात हिमालय पर्वत से गंगा नदी हिमालयात पर्वतात निर्गच्छति गंगा नदी हिमालय पर्वत से होकर निकलती है तत्पश्चात एषा उत्तर भारतस्य समतल प्रदेशेषु बहती और तत्पश्चात उसके बाद एषा यह उत्तर भारतस्य उत्तर भारत के समतल प्रदेशेषु मैदानी भागों में वहती बहती है तत्पश्चात एषा उत्तर भारत से समतल प्रदेशेषु बहती गंगा नदी हिमालय पर्वत से होकर निकलती है और उसके बाद यह उत्तर भारत के मैदानी भागों में बहती है। अन्ते एषा पूर्वस्याम दिशायाम समुद्रेण संगच्छते अन्ते अंत में एषा यह पूर्वस्याम पूर्व दिशा में समुद्रेण संगच्छते समुद्र से जाकर मिलती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलकर उत्तर भारत के मैदानी भागों में बहती हुई अंत में यह पूर्व दिशा में
समुद्र से जाकर मिलती है। एतत् स्थलम गंगा सागर इति कथ्यते। एतत् स्थलम, यह स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। एतत् स्थलम गंगा सागर इति कथ्यते, या यह स्थल गंगा सागर कहलाता है, यह स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगा नद्या तीरे बहूनि तीर्थानि तापसानाम आश्रमा च सन्ति। गंगा नदी के किनारे बहुत से तीर्थ स्थान और तपस्वियों के आश्रम हैं। गंगा नदी तीरे, गंगा नदी तीरे का अर्थ होता है किनारे, बहूनि बहुत से, तीर्थानि तीर्थस्थल, तापसानाम तपस्वियों के आश्रम च और संति हैं। गंगा नद्या तीरे बहूनि तीर्थानि तापसानाम आश्रमा च संति। गंगा नदी के किनारे बहुत से तीर्थ स्थान और तपस्वियों के आश्रम हैं। देशीया वैदेशिका चापि पर्यटका अत्र आगच्छन्ति। देशीया वैदेशिका, देश और विदेशों से, चापि और भी पर्यटका घूमने वाले सैलानी पर्यटक अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। देशीया वैदेशिका चापि पर्यटका अत्र आगच्छन्ति, देश और विदेश के बहुत से भ्रमण करने वाले यात्री यहाँ आते हैं। ते मुनीनां दर्शनैः प्रवचनैः च आत्मिक शांतिं विन्दन्ति। ते, वे मुनीनां, मुनियों के या मुनिजनों के दर्शन च और प्रवचन से आत्मिक शांति की प्राप्ति करते हैं। ते मुनीनां दर्शनैः प्रवचनैः च आत्मिक शांतिं विन्दन्ति। वे मुनिजनों के दर्शनों और प्रवचनों से आत्मिक शांति की प्राप्ति करते हैं या आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। हरिद्वार नगरम प्रसिद्धम तीर्थस्थलम गंगा नद्या तटम एव अलंकरोति। हरिद्वार नगर प्रसिद्ध तीर्थस्थल गंगा नदी के तट को ही शोभायमान करता है। हरिद्वार नगरम प्रसिद्धम तीर्थस्थलम गंगा नद्या तटम एव अलंकरोति। जो आपका हरिद्वार नगर है, हरिद्वार है, वह प्रसिद्ध तीर्थस्थल माना जाता है और वह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ गंगा नदी के तट की शोभा को बढ़ाता है, शोभायमान करता है। अत्र अनेके देवालया संति। अत्र यहाँ अनेके बहुत से देवालया मंदिर संति हैं। अत्र अनेके देवालया संति, यहाँ बहुत से मंदिर हैं। भक्त जना अत्र आगत्य ईश्वरम भजन्ति अलौकिकम सुखम च अनुभवन्ति। भक्त जना, भक्तगण या भक्त लोग अत्र यहाँ आगत्य आकर ईश्वरम भजन्ति, ईश्वर का भजन पूजन करते हैं और अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। भक्त जना अत्र आगत्य ईश्वरम भजन्ति अलौकिकम सुखम च अनुभवन्ति। भक्तगण यहाँ आकर ईश्वर का भजन करते हैं और अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। सायंकालस्य दृश्यम तु अत्र अनुपमम एव अस्ति। शाम के समय का दृश्य तो अत्र यहाँ अनुपमम
अनोखा ही है। सायंकालस्य दृश्यम तु अत्र अनुपमम एव अस्ति। शाम के समय का दृश्य तो यहाँ का अनोखा ही होता है। जना गंगा देवीम श्रद्धया अर्चयन्ति। लोग गंगा देवी की पूजा करते हैं। जना लोग गंगा देवीम गंगा देवी की श्रद्धया श्रद्धा के साथ अर्चयन्ति पूजा करते हैं। जना गंगा देवीम श्रद्धया अर्चयन्ति। लोग गंगा देवी की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पूजनात् अनंतरम ते प्रज्वलितान् दीपान् नद्याः जले विसर्जयन्ति। और पूजनात् अनंतरम पूजन के बाद ते वे प्रज्वलितान् जलते हुए दीपान् दीपों को नद्याः नदी के जल में विसर्जित करते हैं। पूजनात् अनंतरम ते प्रज्वलितान् दीपान् नद्याः जले विसर्जयन्ति। पूजन के पश्चात पूजन के बाद वे जलते हुए दीपों को नदी के जल में विसर्जित करते हैं। यदा प्रज्वलिता दीपा नद्यां तरन्ति। यदा जब जलते हुए दीप नदी में तैरते हैं ते दिव्यम दृश्यम उपस्थापयन्ति। जब जलते हुए दीप नदी में तैरते हैं तो वे एक दिव्य अलौकिक नजारे का दृश्य उपस्थित करते हैं। एवं प्रतीयते यत् तारागणः आकाशात् अवतीर्य पृथिव्याम् आगतः। एवं प्रतीयते ऐसा लगता है कि तारों का समूह तारागणों का समूह आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गया है। भागीरथी पवित्रा नदी मान्यते। भागीरथी पवित्र नदी मानी जाती है। परम अद्यत्वे ऐसा पावना नदी प्रदूषिता। परंतु आजकल यह पावन नदी मलिन हो गई है, प्रदूषित हो गई है। यत्र तत्र जल मालिन्यम अस्ति। यहाँ वहाँ पानी की गंदगी दिखाई देती है। यहाँ वहाँ जल में गंदगी है। जीवनस्य रक्षाय स्वच्छम जलम अनिवार्यम। जीवन की रक्षा के लिए स्वच्छ जल साफ पानी जरूरी है। साफ जल जरूरी है, अनिवार्य है। जलम बिना कुतः जीवनम। जल के बिना जीवन कहाँ। भागीरथीं प्रदूषणात् रक्षितुं प्रयत्न विधेयः। भागीरथी अर्थात गंगा नदी को प्रदूषण से रक्षा करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना जरूरी है। साम्प्रतम एतत् अस्माकं परमं कर्तव्यम्। इस समय यही हमारा परम कर्तव्य है कि हम भागीरथी नदी को गंदा होने से उसकी रक्षा करें। वस्तुतः गंगा नद्या संरक्षणम एव गंगा देव्या पूजनम अस्ति। वास्तव में गंगा नदी की रक्षा ही गंगा देवी का पूजन है। वास्तव में गंगा नदी की रक्षा ही गंगा नदी का पूजन है। नदी नाम जलेषु मालिन्यम न समुत्सृजते। नदियों के जल में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। नदियों के जल को गंदा नहीं करना चाहिए। नदियों के जल में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। ध्यातव्यम्।
जैसा कि पाठ को पढ़ाते समय ही मैं आपको बताई थी कि इसमें ईकारांत का प्रयोग किया गया है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का प्रयोग, जैसे नद्या, नद्या, नद्याम इत्यादि। आकारांत विशेषण प्रयोग, आकारांत के विशेषण का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रमुखा नदी। कारक और विभक्ति का प्रयोग भी कहीं कहीं पर दिखाई देता है, जैसे जनाः ईश्वरं भजन्ति, दीपाः नद्यां तरन्ति इत्यादि। उपपद विभक्ति का प्रयोग भी दिखाई देता है, जैसे जलम विना पूजनात् अनंतरम इत्यादि। लिंगानुसार संज्ञा और सार्वनामिक विशेषण का समन्वय, जैसे अनेके देवालया, अनेका नद्या इत्यादि। आइए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। नद्या नदियाँ, गंगा नद्या गंगा नदी का, पृथिव्याम पृथ्वी पर, पर्यटका पर्यटक, तारागढ़ तारों का समूह, पोषयत पालन करता है, निर्गच्छति निकलता है या निकलती है, संगच्छते मिलता है या मिलती है, विधेय करना चाहिए, अनंतरम बाद में, वस्तुतः वास्तव में, पूर्वस्याम पूर्वी, स्वपूर्वजानाम अपने पूर्वजों का, श्रद्धा श्रद्धा से, जल मालिन्यम जल की गंदगी, दिव्यम दिव्य, विंदंती पाते हैं, उपस्थापयन्ति प्रस्तुत करते हैं, अलंकरोति सुशोभित करता है, औतिथि उतर कर, सांप्रतम अब, वैदेशिका विदेश की। यहाँ पे देखिए, नदी शब्द का ईकारांत स्त्रीलिंग आपका शब्द रूप दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो। उसके बाद आपका विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। तो बच्चों, आपको यह शब्द रूप याद कर लेना चाहिए। आगे देखिए, एक पद में उत्तर दीजिए। भारत से प्रमुखा नदी का, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। गंगाया अपरम नाम किम, गंगा का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। ऐसा नदी कस्मात पर्वतात निर्गच्छति, यह नदी कहाँ से निकलती है? हिमालयात हिमालय पर्वत से। कस्या तीरे बहूनि तीर्थानि, किसके किनारे बहुत से तीर्थ स्थान हैं? गंगाया। भागीरथी किदृशी नदी मन्यन्ते, भागीरथी को कैसी नदी माना जाता है? पावना। कस्य कालस्य दृश्यम अनुपमम अस्ति, किस समय किस काल का दृश्य अनुपम है? सायम। भागीरथीम कस्मात् रक्षितुम प्रयत्न विधेय, भागीरथी की रक्षा के लिए किस प्रकार प्रयत्न जरूरी है? प्रदूषणात्। भागीरथी अन्ते केन संगच्छते, भागीरथी अंत में किससे जाकर मिल जाती है? समुद्रेण। राजा भागीरथा किमर्थम गंगा पृथ्व्याम आनयत, राजा भागीरथा स्वपूर्वजानाम पूर्वजानाम उद्धाराय गंगा पृथ्व्याम आनयत। गंगा तीरे के सन्ति, गंगा तीरे बहवः तीर्था तापसानाम आश्रमा च सन्ति। भक्ता अत्र किम अनुभवन्ति, भक्ता अत्र आगत्य अलौकिकम सुखम अनुभवन्ति। जीवनस्य रक्षाय किम अनिवार्यम, जीवनस्य रक्षाय स्वच्छम जलम अनिवार्यम, सांप्रतम अस्माकम परमम कर्तव्यम किम, सांप्रतम गंगाया प्रदूषणात् संरक्षणम अस्माकम परमम कर्तव्यम।
स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे आपका जो हाईलाइट किया हुआ शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको ऐसा शब्द यहाँ से चुनना है जो प्रश्न के रूप में हो जाए। जैसे भागीरथा स्वपूर्वजानाम उद्धाराय गंगाम पृथिव्याम आनयत, तो भागीरथा केशाम उद्धाराय गंगाम पृथिव्याम आनयत। भागीरथ किसके उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। भक्त जना की जगह क्या हो जाएगा, के अत्र आगत्य ईश्वरम भजन्ति। अनुपमम की जगह क्या हो जाएगा, सायंकालस्य दृश्यम कीदृशम एव अस्ति। भागीरथीम प्रदुषराद की जगह क्या हो जाएगा, कस्मात् रक्षितुम प्रयत्न विधेय। जीवनस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य रक्षाय स्वच्छम जलम अनिवार्यम। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्दों को एक दूसरे से मिलाना है, संरक्षणम रक्षा, अनेके बहवः, भागीरथीम गंगाम पवित्रा पावना अर्चयन्ति पूजा पूजनम पूजयन्ति, एकस्या नद्या एषा नदी, एतासु नदीषु एताम नदीम, एतस्याम नद्याम एता नद्य। अब यहाँ पे कोष्टक में से उचित रिक्त स्थानों को भरना है। जलम विना मत्स्याः न जीवन्ति, एषा नदी हिमालयात् निर्गच्छति, भक्त जना ईश्वरं भजन्ति, राजा भगीरथ एतां नदीं पृथिव्याम् आनयत्, भारतं देशं नदीनां देशः, एतस्याः नद्याः तीरे बहवः आश्रमाः सन्ति। गंगा पवित्रा नदी मन्यते, एतस्याः नद्याः तीरे अनेके तीर्थान् सन्ति, हरिद्वार नगरं प्रसिद्धं तीर्थस्थलम् अस्ति, प्रज्वलिता दीपा नद्यां तरन्ति, गंगा देशस्य प्रमुखा नदी। अब यहाँ पे पृथ्वी शब्द के अनुसार यहाँ पे जिन शब्दों को दिया गया है उसको भरना है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी आपका शब्द है, पृथ्वीम पृथिव्यय पृथिव्या पृथिव्याम, देवी देवीम देव्यय देव्या देव्याम, सखीम सख्ये सख्या सख्याम, भागीरथीम भागीरथय भागीरथ्या भागीरथेभ्याम। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ। इस पाठ में आप लोगों ने गंगा नदी जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं उस पाठ का अध्ययन किया और इसे आप पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे और पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।